फ्रेंड्स सीए फाउंडेशन अकाउंट का चैप्टर है एवरेज ड्यू डेट। व्हाट इज द एवरेज ड्यू डेट? देखो मुझे जयदीप को 1 अप्रैल को 1 लाख देना है, 30 अप्रैल को 1 लाख देना है, लेकिन दो बार मुझे वहां जाना नहीं है। मैं सोच रहा हूं ऐसा क्या रास्ता निकालूं, एक ही बार जाके दोनों साथ में दे दो, दोनों का एवरेज निकाल लो। 1 अप्रैल वाला 15 अप्रैल को पे करो तो 15 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, 30 अप्रैल वाला 15 अप्रैल को पे करो तो 15 दिन का इंटरेस्ट बचेगा। 1 लाख 1 अप्रैल, 1 लाख 30 अप्रैल, उसकी जगह पे ऑल 2 लाख ऑन 15 अप्रैल, दैट विल बी द एवरेज ड्यू डेट। सेवरल डेब्ट्स है, एक से ज्यादा पेमेंट मुझे आपको करना है, अलग अलग तारीख पे मुझे आपको पेमेंट करना है, वो पेमेंट मैं आपको एक ही साथ कर दूंगा और किसी को भी इंटरेस्ट का गेन और लॉस नहीं होगा। That will be average due date. Friends, say loudly, what is average due date? Single payment of various dues in such a way that no profit or loss of interest to either party. दोनों में से कोई भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस और गेन नहीं जाना चाहिए। Friends, तो एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन सोल्व करने के स्टेप्स एक बार हमें याद रखने हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। आपको ट्रांजेक्शन दिया होगा, एक्स ने वाई को 1 अप्रैल को 10,000 का सेल किया, 10 अप्रैल को 20,000 का सेल किया, ऐसे अलग अलग डेट का ट्रांजेक्शन दिया होगा। देखो ट्रांजेक्शन डेट है, क्रेडिट पीरियड नहीं मिल रहा है, जब बेचा है तभी मुझे पैसा लेना है तो ट्रांजेक्शन डेट ही ड्यू डेट हो जाएगी। लेकिन जब क्रेडिट पीरियड देते हैं, मैंने राधिका को सेल किया और बोला 1 महीने के बाद पेमेंट करना है, तो आज के दिन को लेकर 1 महीना ऐड करके ड्यू डेट आएगा। राधिका ने मुझे बिल दिया है तो बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दे दिया है, तो 1 महीने का बिल और 3 दिन ग्रेस है। रिपीट कर रहा हूं, क्रेडिट पीरियड नहीं है तो ट्रांजेक्शन डेट इज ड्यू डेट, क्रेडिट पीरियड है तो ट्रांजेक्शन डेट प्लस पीरियड, क्रेडिट पीरियड का बिल ऑफ एक्सचेंज नॉमिनल नोट लिखा है तो 3 दिन ग्रेस के एंटर है। फ्रेंड्स मैच्योरिटी डेट है तो हॉलीडे आ गया, तो पब्लिक हॉलीडे है, पहले से मालूम है, संडे है, 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, पहले से मालूम है ये हमारा पब्लिक हॉलीडे है और ड्यू डेट उसी दिन को फॉल हो रहा है तो अगला दिन प्रीसीडिंग डे, अगला दिन भी छुट्टी है तो उसका अगला दिन प्रीसीडिंग, पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीसीडिंग, सडन हॉलीडे हो गया, रेप्यूटेड आदमी भगवान के पास चला गया तो सडन हॉलीडे डिक्लेयर हुआ, कोई इमरजेंसी अराइज हुई और डिक्लेयर हुआ कि आज छुट्टी है। तो हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे ना, कोई मर जाता तो छुट्टी मिलती थी तो बहुत खुश हो जाते थे, उस टाइम मालूम नहीं था बहुत, वो सडन हॉलीडे है, इमरजेंसी है, ऐसा हॉलीडे आएगा तो नेक्स्ट डे विल बी द न्यू डे, नेक्स्ट डे विल बी द न्यू। फर्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, क्या बोला जोर से बोलो, फाइंड ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, कंटिन्यू इफ बिल और प्रॉमिसरी नोट एंड 3 डेज ऑफ ग्रेस, इफ ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे एंड प्रीसीडिंग डे, इफ ड्यू डेट इमरजेंसी हॉलीडे नेक्स्ट टू फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट ऑब्लिक फॉलोइंग डे, आज छुट्टी डिक्लेयर हो गई आज की जगह कल है ना टुमारो है ना, दैट विल बी योर ड्यू डेट। हर एक ट्रांजेक्शन में क्रेडिट पीरियड नहीं है तो ट्रांजेक्शन डेट ही ड्यू डेट,
क्रेडिट पीरियड है तो सिंपली क्रेडिट पीरियड कर दो। आज मैंने आपको गुड्स बेचा है 13th मई को गुड्स बेचा, एक महीने का क्रेडिट पीरियड था तो आप मुझे 13 जून को पेमेंट करो, फिर क्रेडिट पीरियड अलाउ किया था। आज आप गुड्स लेके गए बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दे के गए एक महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ड्यू डेट 13th जून नहीं 16th जून होगा जहां पे प्रोविजन और बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा और 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे ग्रेस के। ड्यू डेट फाइंड कर दिया, अभी आप बेस डेट फाइंड करो। देखो बेस डेट कोई भी फाइंड कर सकते हो, मिडल वाली है, लास्ट वाली है, कोई भी ड्यू डेट को आप बेस डेट बोल सकते हो, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन टफ होगा। कैलकुलेशन को इजी करने का रास्ता ये है, हमारे पास 5 ड्यू डेट है तो पांचों में से अर्लीस्ट वाली ड्यू डेट कौन सी है, डेट शुड बी द बेस डेट फॉर इजी कैलकुलेशन। से लाउडली सिलेक्ट अर्लीस्ट ड्यू डेट एज बेस डेट। हमारे पास 5 ट्रांजैक्शन है, हर एक ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट है, बेस डेट से लेके ड्यू डेट तक के डेज काउंट करो, बेस डेट से लेके ड्यू डेट तक के डेज काउंट करो। स्पीक अगेन, फाइंड डेज फ्रॉम बेस डेट टू ईच ड्यू डेट। हर एक ड्यू डेट को कभी 5000 पे करना है, कभी 7000 करना है, कभी 2000 करना है, हर एक ड्यू डेट के सामने अमाउंट होगा और आपने डेज फाइंड किए होंगे बेस डेट से लेके ड्यू डेट तक। अभी प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट की फॉर्मूला है अमाउंट मल्टीप्लाई डेज, तो बाद में लास्ट स्टेप एवरेज ड्यू डेट बेस डेट प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड सम ऑफ द अमाउंट। अगेन फाइंड प्रोडक्ट इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई डेज, व्हाट इज एडीडी, बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड सम ऑफ That's illustration 1, page number 6.89. Read the question, very easy question, basic question. Following are the amount due on the different dates in between the same parties. Same party ke beech mein alag alag tarikh ke debt hain. 3rd July ko 500 pay karna hai, 2nd अगस्त को 800 पे करना है, 11 सितंबर को 1000 पे करना है, 500, 800, 1000 जुलाई अगस्त एंड सितंबर में पे करना है। हमें वहां पे 3 बार जाना नहीं है, हमें सिंगल ही पेमेंट करना है। ऐसी डेट निकालो ये तीनों डेट 5, 8 एंड 1000 एंड 2300 एक ही डेट को पे कर दे, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये बेस डेट लोगे तो ऊपर के डेज माइनस में लेके हर एक ड्यू डेट के डेज फाइंड करो, 3rd जुलाई से 2nd अगस्त अगस्त, जुलाई में कितने डेज होते हैं 31, जुलाई में कितने होते हैं 31 मालूम है ना, 1, 2, 3 आप करते थे 5th, 6th स्टैंडर्ड में, तो जुलाई में 31 डेज है, अगस्त में 31 डेज है, जुलाई में 31 माइनस 3 यानी 28, फिर निकाल दिया बेस डेट 0 है, 4th से स्टार्ट करना है, चैप्टर बहुत इजी है, डेज काउंट करना आता है, चैप्टर इजी है, फोर्थ से स्टार्ट करो, फोर्थ डेज से शुरू करो, लेकिन ऐसे नहीं करो, 31 माइनस 3 कर दो, पर 28 डेज आए हमारे जुलाई के और 2 है वो अगस्त के,
फ्रेंड्स आइदर ऑफ द वन डे विल बी कैलकुलेटेड। थ्री हमने काउंट नहीं किया है, फोर से स्टार्ट किया है। थ्री को हमने जीरो लिया है, फोर को हमने वन लिया है, इसीलिए टू हमें काउंट करना है। 31 माइनस 3 यानी 28 एंड 2 अगस्त के टोटल 30 डेज। यहाँ पे 37 टू 11 9 जुलाई अगस्त एंड सितंबर टोटल 70। अभी ये डेज मल्टीप्लाई अमाउंट, डेज मल्टीप्लाई अमाउंट, फर्स्ट विल बी 0, सेकंड 30 इनटू 824000, थर्ड 1000 इनटू 70 70000, टोटल विल बी 94000। ये हुआ सम ऑफ द टोटल, सम ऑफ द order, sum of the amount how much? 2300। हमारी ADD की formula क्या है? Base date plus sum of total divide sum of amount। Base date is 37, sum of the product 94000, sum of the amount 23000। डिवाइड किया तो यहाँ आएगा 41। फ्रेंड्स 3 जुलाई में 41 ऐड करना है, तो जुलाई में स्कोप कितना है? 31 माइनस 3 जुलाई में 28 है। अगस्त के है हमारे पास 31 डेज, जरूरत नहीं है, टोटल 41 ही होना चाहिए। 41 डेज होते हैं वहां रुक जाओ, 3 जुलाई में 41 डेज ऐड करो, 4 5 6 7 काउंट करो तो भी चलेगा। अदरवाइज जुलाई का स्कोप कितना है? 28। 31 माइनस 3 अगस्त में कितने दिन कम पड़े? 13। 13 अगस्त विल बी योर ड्यू डेट। 13 अगस्त विल बी योर ड्यू डेट। रिमेंबर फ्रेंड्स, ये जुलाई वाला डेट और ये सेकंड अगस्त वाला डेट आपने लेट पे किया, और ये सितंबर वाला डेट है वो आपने पहले पे किया। अभी ये 13 अगस्त को पे करोगे तो इंटरेस्ट का लॉस और गेन नहीं होगा, उससे पहले और बाद करोगे तो इंटरेस्ट का गेन और लॉस होगा। फ्रेंड्स आपको जो समझना है इस चैप्टर में, काउंटिंग ऑफ डेज दैट इज ओनली एंड ओनली रिलेवेंट। अभी हम जो प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम अभी कंटिन्यू करें दो मिनट के लिए। तो 3 जुलाई प्लस 41 डेज था, देखो 3 जुलाई में 10 दिन ऐड करेंगे तो 13 जुलाई, 20 दिन ऐड करेंगे तो 23 जुलाई, 25 डेज ऐड करेंगे तो 28 जुलाई, लेकिन 35 डेज ऐड करेंगे तो कोई 38 जुलाई मत बोलना। जुलाई में मैक्सिमम 31 डेज होते हैं, जुलाई में मैक्सिमम 31 डेज होते हैं। तो 3 जुलाई में आप मैक्सिमम कितना ऐड कर सकते हो? जुलाई में मैक्सिमम 28 ही ऐड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। आपको ऐसा समझना है कि 3 जुलाई में 41 ऐड कर दिया तो 41 जुलाई आ गया, तो ये इनकरेक्ट है, ऐसा लिख भी नहीं सकते। समझने के लिए दो मिनट ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको जुलाई का स्कोप 28 डेज था, बाकी के जो दिन कम पड़े आपको 13, उसके लिए आप अगस्त का यूज करो, उसके लिए आप अगस्त का यूज करो। एक एक मंथ में देखते जाओ कितने दिन है, हमें कहां तक पहुंचना है, जहां पहुंच जाते हैं वहां स्टॉप हो जाते। Let me see second question. Second question में भी due date तो दे दिया है, तो हमारे लिए easy हो जाता है। Illustration 2 and page number होगा 6.90. Table for calculation of product. Following amounts are due to X by Y. Y को X को इतना amount देना है। Y wants to pay. Y pay करना चाहता है 18th मार्च को एंड 14th जुलाई को। इंटरेस्ट रेट है 8%। इंटरेस्ट रेट है 8%। पेमेंट कब करना है? 18th मार्च एंड 14th जुलाई। आप एक एक ट्रांजेक्शन का भी इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो, लेकिन हम ये चैप्टर पढ़ते क्यों है? ADD फाइंड करने के लिए। इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन का आंसर नॉर्मली हो सकता है अदर वे से, लेकिन हम ADD फाइंड करके ही करेंगे। सबसे पहले आपको ड्यू डेट दे दिया है 10/1, 26/1, 23/3, 18/8। आपने ड्यू डेट को मालूम है आपको, पब्लिक हॉलीडे है, हमारे ड्यू डेट के दिन संडे है, गांधी जयंती है, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है,
तो उसका अगला दिन लेना है, सेकंड अक्टूबर नहीं, फर्स्ट अक्टूबर, 15 अगस्त नहीं, 14 अगस्त, 26 जनवरी नहीं, 25 जनवरी। तो यहाँ पे 26 जगह पे 25 या 18 की जगह पे 17, अगला दिन प्रीसीडिंग डे, प्रीसीडिंग डे। फ्रेंड्स ये ड्यू डेट है वेरियस ट्रांजेक्शन की, आप कौन सी भी डेट बेस डेट ले सकते हो, लेकिन माइनस में डेज आएंगे ना तो तब कैलकुलेशन हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे अर्लीस्ट डेट जो है ना उसको ड्यू डेट लेते हैं, 10 जनवरी 10 फर्स्ट। तो बेस डेट 0, 10 1 टू 25 1 यानी 25 माइनस 10 15 डेज, 10 1 से लेके 23 मार्च तक के डेज, 10 यानी 31 माइनस 10 यानी 21 जनवरी का, 31 माइनस 10 यानी 21 जनवरी फरवरी एंड मार्च, मार्च कहां तक है 23 मार्च तक के दिन काउंट करने हैं, हमारे दिन हो गए 72। अभी 10th जनवरी से लेके 17th अगस्त जनवरी में कितने दिन है, 31 माइनस 10 यानी 21 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त, हो गया 17-18 तक का अगस्त। डेज काउंट और रोल करो, 219 आएगा हमारा डेज है, 219। अमाउंट दिया हुआ है फर्स्ट ट्रांजेक्शन 1500 1000 3000 एंड 4000, ये हमारा डेज एंड अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन, डेज एंड अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन आएगा, क्या क्या बोलते हैं उसको, टोटल 0 15000 2,16,000 8,76,000, व्हाट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट 11,07,000, व्हाट इज सम ऑफ द अमाउंट 8,500, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एडीडी, बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड सम ऑफ अमाउंट, 10-1 प्लस 130 डेज। यहां से फिर कंफ्यूजन, 10 में आप 138 तो 140th जनवरी आएगा क्या, जनवरी में मैक्सिमम डेज कितने होते हैं 31, ये 0 है 11 से स्टार्ट करो, हमारे पास जनवरी का स्कोप कितना है 21 डेज, जनवरी का स्कोप कितना है 21, जनवरी के बाद क्या आता है फरवरी, कितने डेज है 28। देखो लीप नॉन लीप दो कांसेप्ट है, यहां कुछ दिया नहीं है इसीलिए हम यहां पे 28 नॉन लीप ले रहे हैं, नॉन लीप एंड 28। उसके बाद क्या आएगा, कितने डेज, उसके बाद कितने डेज, देखो हमें 130 तक ही जाना है, अभी यहाँ मे का 31 लेंगे तो 130 तक बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 टोटल को 110 होगा, कितना होगा 110, तो मे के कितने दिन की जरूरत है ओनली 20, कितने दिन की जरूरत है ओनली 20, 20th मई में 10 दिन ऐड करना था तो 30 मई था, 11 था तो 31 मई था, लेकिन 12 डे ऐड करना ऐसा नहीं बोलेगा 32nd मई, ऐसा होता ही नहीं है, 31 मई खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट डे आता है 1st जून। इसी तरीके से यहाँ पे 130 दिन ऐड करने हैं तो हमारे पास जनवरी में स्कोप कितना है ओनली 21 डेज का, 10 में कितना ऐड करेंगे 21, तो 31 जनवरी, जनवरी खत्म, देन फरवरी, देन मार्च, देन अप्रैल, देन मई, कहां तक 130 दिन नहीं होते हैं, वहां हमारी एडीडी कितनी आई 20th में, एवरेज ड्यू डेट कितनी है 20th में। फ्रेंड्स 20th में से पहले पे करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, यानी उतना अमाउंट कम पे करना पड़ेगा, यहां पे फर्स्ट सिचुएशन में कब पे किया है 18th मार्च से लेके 20th मई तक के दिन काउंट करो, 18 मार्च है, मार्च में 31 डे होते हैं, 31 माइनस 18 यानी ये हुआ मार्च, ये हुआ अप्रैल, तो ये हुआ मई, मार्च अप्रैल एंड मई, 18 मार्च को मैंने पे कर दिया, 20 मई को पे करना था, तो मार्च के कितने दिन पहले पे किया मैंने 31 माइनस 18 यानी 30 डेज, अप्रैल का 30 डेज एंड मई का 20 डेज, इसी केस में मैंने 63 डेज पहले पे किया है,
8,500 का 63 डेज एंड 8% का इंटरेस्ट है 117.37। जब मैं पे करूंगा तब 8500 में से 117.37 लेस करने के बाद मैं पेमेंट करूंगा। यहां पे 20th मई की जगह 14 जुलाई को पे किया है, लेट पेमेंट हुआ है, जुलाई जून एंड ये मई। पे कब करना था? 20th में। कब करना था? 20th में। मई के कितने दिन बाकी रहे थे? 31 माइनस 20 यानी 11 डेज मई के, जून के 30 एंड जुलाई को पे किया जुलाई के 14, टोटल 55 डेज है वो आपने लेट पेमेंट किया है। तो लेट पेमेंट का इंटरेस्ट है 8% 55 डेज, ये जो हमारा टोटल अमाउंट है ना 8500 उस पे इंटरेस्ट लगता है। ऑलवेज इंटरेस्ट लेना देना टोटल अमाउंट पे होता है। 8500 55 डेज 8% इंटरेस्ट होगा 102.47। 8500 प्लस 102.47 कितना टोटल अमाउंट हमें पे करना है। फ्रेंड्स रिमेंबर एडिटी के स्टेप, सबसे पहले आपको ड्यू डेट फाइंड करना है, ड्यू डेट के बाद आपको बेस डेट सिलेक्ट करना है, बेस डेट से ड्यू डेट के डेज फाइंड करने हैं, डेज मल्टीप्लाई अमाउंट करके प्रोडक्ट फाइंड करना है, बेस डेट पे सम ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड सम ऑफ द अमाउंट आपको एड करना है, और वो जो डेज एड करने हैं उसमें आपको ख्याल रखना है कि हमें आज जो ड्यू डेट है उससे कितने दिन ऐड करने हैं। समझ लो 3rd जुलाई वाला 41 डेज प्रीवियस पेशेंट में ऐड किया था, तो 3rd में आपको 41 ऐड करने हैं, तो 44 होते हैं, तो 44 जुलाई है ही नहीं, 31 जुलाई है, तो बाकी के 13 दिन नेक्स्ट मंथ में जाएंगे। फ्रेंड्स लगे रहे बने रहे मेरे साथ, हर एक सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो भेजते रहेंगे। सब्सक्राइब चैनल, शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।